ब्रांड क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, जरा हम क्वेश्चंस के जवाब देना, कल के टॉपिक से रिलेटेड है बेटा, तो क्वेश्चंस के जवाब देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हेन एसिड डाइल्यूटेड, जिसको हम बेटा डाइल्यूट H2SO4 भी बोलते हैं, एसिड्यूलेटेड वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विल द pH ऑफ द सॉल्यूशन be affected justify your answer first question second question hai How will the pH of brine solution? Brine solution बेटा मैंने NaCl solution को बोलते हैं brine solution be affected when it's electrolyzed? तो जल्दी से आंसर करें बेटा, आंसर आपका कुछ ऐसा होगा, आप या तो ऐसे लिखे pH इंक्रीज कर रहता है या डिक्रीज करता है या नो चेंज, जो भी आप लोगों को लगता है, तीन तरीके से आंसर दे सकते हो, pH इंक्रीज, डिक्रीज या फिर नो चेंज, ठीक है। और एक क्वेश्चन और लिख लेता हूँ मैं, थर्ड क्वेश्चन भी यहीं पर लिख लेता हूँ बेटा मैं, तब तक कमेंट करके बताओ बेटा, सोचो क्या होगा। हाँ गया क्वेश्चन, मिल गया। Why cannot aluminium metal be produced by electrolysis
ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम साल्ट. जरा पहले वाले क्वेश्चंस का आंसर बताएं सबके साथ. ओके बेटा आंसर लिख रहे हो ना तो ये जरूर लिख देना फर्स्ट एंड सेकंड. ठीक है सागर रयाल पीएच वैल्यू इंक्रीज. ओके बेटा रस में पीएच इंक्रीज. सुनिधि चौहान पीएच वैल्यू इंक्रीज इन फर्स्ट. गंगा जी पीएच इंक्रीज फर्स्ट में. ओके सभी का आंसर इंक्रीज आ रहा है. सेकंड में बताएंगे अर्पिता कहाँ गए बेटा. शर्मा जी आंसर दो बेटा. दीपिका फर्स्ट में आप सभी का आंसर इंक्रीज है बेटा. ठीक है सेकंड में बताएं जरा. अर्पिता डिक्रीज फर्स्ट में. ओके ओके आलोक रत्री फर्स्ट पीएच इंक्रीज. ठीक है बेटा सेकंड का भी जवाब दे बेटा. सेकंड का भी जवाब दे जरा. थर्ड को मैं ही समझा दूंगा आप फर्स्ट और सेकंड को दे दें बस. फर्स्ट में क्या लिखोगे. हाउ विल द पीएच ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन बी अफेक्टेड व्हेन इट इलेक्ट्रोलाइज. इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा या वहां पे नो चेंज रहेगा. जल्दी से बताएं बेटा तो थोड़ा पानी पी लेना. अच्छा सेकंड में नो चेंज रिमेन सेम. सबका आंसर नो चेंज बेटा. भेड़ चाल तो नहीं चल रही है. एक ने नो चेंज लिखा था उसके बाद सबके सब वही कर रहे हैं. दीपिका ने अलग लिखा है डिक्रीज डिक्रीज. ओके बेटा तो स्टार्ट करता हूँ मैं आंसर देना. जरा समझना आप डिटेल में खुद लिख लेना बेटा. सबसे पहली वाली बात करें तो पहले वाले का आंसर है बेटा नो चेंज. आप सबका आंसर गलत है बेटा. पीएच में कोई भी चेंज नहीं आता है. देखो पीएच में तब चेंज आता है बेटा जब एच पॉजिटिव या ओएच नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन चेंज होगी. तो जरा याद करो जब आपने कल इस क्वेश्चन का आंसर किया था बेटा तो याद करो जब आपने रिएक्शन लिखी थी तो एनॉड पे नोट करो एनॉड पे ये वाली रिएक्शन करी होगी आप लोगों ने. एच टू ओ gives half O2 plus 2H positive plus 2 electron, right? Anode पे O2 gas produce हो रही थी और anode पे बेटा H positive ion form हो रहे थे जो solution में जा रहे थे कहने का मतलब. लेकिन cathode पे ही हम अगर reaction को देखें तो cathode पे जो reaction है बेटा वो है 2H positive plus 2 electron gives H2. ये कल आपने लिखा था तो नोट करो बेटा. अगर एनोड पे दो एच पॉजिटिव आयन बन रहे हैं तो उसी टाइम पे कैथोड में बेटा टू एच पॉजिटिव आयन रिड्यूस भी हो जा रहे हैं. कहने का मतलब एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा क्योंकि एनोड से अगर दो एच पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में जा रहे हैं तो उसी टाइम दो एच पॉजिटिव आयन बेटा कैथोड पे रिड्यूस भी हो जा रहे हैं जिसके कारण एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा. इसलिए हम कहेंगे कि जो डाइल्यूट H2SO4 है जब हम उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो उस दौरान कोई भी चेंज नहीं होगा बेटा पीएच वैल्यू पे. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. ठीक है सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो यहाँ पे बेटा आंसर है पीएच वैल्यू इंक्रीज कर दिए बेटा. जिन्होंने भी इसमें लिखा डिक्रीज या नो चेंज उनके लिए बेटा इसमें पीएच इंक्रीज करता है बेटा. अब इंक्रीज को करता है जरा समझो. देखो सबसे पहले याद करो NaCl बेटा एक सॉरी
एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एक स्ट्रॉन्ग साल्ट है। तो आप लोगों ने पिछले साल भी पढ़ा था, जो स्ट्रॉन्ग साल्ट होता है बेटा, उसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल होता है जनरली, राइट। मतलब अगर मैं बात करूँ तो इसकी पीएच वैल्यू जनरली 7 होती है बेटा, क्योंकि ये कम्प्लीटली आयोनाइज्ड होते थे वाटर के अंदर, इसलिए इनका जो पीएच वैल्यू होता था वो 7 होता था। अब आप याद करो, जब आपने इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करा तो इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड पे आप लोगों ने ये वाली रिएक्शन लिखी थी, 2Cl नेगेटिव गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। एनोड पे Cl2 प्रोड्यूस हो रहा था। कैथोड पे नोट करो बेटा, कैथोड पे आप लोगों ने कुछ ये वाली रिएक्शन लिखी थी बेटा, H2O 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 प्लस 2 OH नेगेटिव। तो कैथोड पे H2 प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन नोट करो बेटा कैथोड पे OH नेगेटिव आयन हैं, और ये OH नेगेटिव आयन सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे। इसके अलावा देखो सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव भी बचा हुआ है, और यानी कि सॉल्यूशन में जाके हमारे पास एक चीज़ बन गई, वो है NaOH। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कैथोड की रिएक्शन को ध्यान से देखो, कैथोड की रिएक्शन में तुम्हें OH नेगेटिव दिखाई दे रहा होगा, आयन है तो बेटा सॉल्यूशन में गया, ऊपर से देखो ये Na पॉजिटिव भी बचा हुआ है, तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके बना दिया NaOH। NaOH होता है बेटा एक स्ट्रॉन्ग बेस, अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो ऑब्वियसली है कि जो pH वैल्यू है बेटा वो pH वैल्यू अब इंक्रीज करने लग जाएगी। ज़रा कमेंट करके बताना दोनों क्वेश्चन समझ में आए, रामगढ़ कौन सा वाला बताओ बेटा फिर से। चलो एक बार मैं दोनों क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, थोड़ा स्लो बोलता हूँ बेटा, समझना क्या बोला मैंने। देखो पहला क्वेश्चन है कि डाइल्यूट H2SO4 का जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो तो pH वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता बेटा। सोच के देखो pH वैल्यू में कब चेंज आता है, pH वैल्यू में तब चेंज आता है जब H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन में कोई चेंज देखने को मिले। तो जब याद करो तुमने कल डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस करा था तो कौन कौन सी रिएक्शन हुई थी, सबसे पहले याद कर एनोड पे रिएक्शन। अब ये मैं नहीं जाऊँगा कि ये क्यों हुई, ये वाली क्यों रिएक्शन हुई, वो तुमने मैंने कल बता रखा है, बट आपने एनोड पे ये वाली रिएक्शन लिखी थी। तो आपने नोट किया बेटा एनोड पे जब ये रिएक्शन भी देख रहे हैं, यहाँ H पॉजिटिव आयन बन रहे हैं, तो ये H पॉजिटिव आयन जा रहे हैं सॉल्यूशन में, मतलब यहाँ से हमारे दिमाग में आ रहा है कि H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए। लेकिन उसी दौरान अगर आप कैथोड पे रिएक्शन देखें तो कैथोड पे ये जो H पॉजिटिव आयन है वो H2 में रिड्यूस हो जा रहा है, और वो भी कितने हो रहे हैं बेटा, दो ही हो रहे हैं। अगर दो H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में एनोड की तरफ से आ रहे हैं तो समझ लो उसी दौरान कैथोड पे भी दो H पॉजिटिव आयन रिड्यूस हो जा रहे हैं, मतलब जितने आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं उतने ही आयन उसी टाइम रिड्यूस भी हो जा रहे हैं, तो जिसके कारण H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आने का बेटा, जिसके रिजल्ट में होगा क्या कि pH वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि pH वैल्यू तो तब चेंज होती है ना बेटा जब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन चेंज होती है। तो जब यहाँ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटा उतने रिड्यूस हो जा रहे हैं उसी टाइम पर, तो जिसके कारण pH वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सेकेंड वाले क्वेश्चन को समझते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है बेटा जो ब्राइन सॉल्यूशन होता है NaCl सॉल्यूशन, आप जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो pH वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी, क्वेश्चन ये। तो याद करो NaCl को ब्रेक करो तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन रहा था, ठीक है। तो आपको याद हो बेटा एनोड पे ये वाली रिएक्शन लिखवाई थी कल मैंने, अब ये क्यों लिखाई थी इसको नहीं समझ रहे, बस ये लिखी थी इसको याद कर लीजिए बेटा, 2Cl नेगेटिव गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब याद करें कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हुई थी, कैथोड पे वाटर रिड्यूस हो रहा था बेटा, रिड्यूस होता था तो याद करो एक तो H2 बनता था और एक OH नेगेटिव आयन बनता था बेटा, तो OH नेगेटिव आयन, आयन है तो कहाँ जाएगा, सॉल्यूशन में जाएगा, तो ये OH नेगेटिव आयन जा रहा है बेटा सॉल्यूशन में। और नोट करो Na पॉजिटिव भी बचा हुआ बेटा, इसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो एक Na पॉजिटिव बचा हुआ एक OH नेगेटिव बचा हुआ, दोनों के दोनों मिल गए सॉल्यूशन में, क्या बना लिया NaOH, मतलब सॉल्यूशन में NaOH बन रहा है। अगर NaOH बन रहा है तो ये तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो ऑब्वियसली pH वैल्यू इंक्रीज करेगी बेटा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया बेटा, तो मैं तीसरा समझाता हूँ फिर आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
ओके, अगर नहीं आया होगा तो एक बार दोबारा देख लेना बेटा वीडियो, मुझे लगता नहीं ऐसा कि तुम लोगों को समझ में ना आए। चलो बेटा जरा तीसरे क्वेश्चन को समझ लेते हैं बेटा। जैसे याद हो कल मैंने कहा था कि मेटल को प्रोड्यूस करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे कि कल मैंने एग्जांपल भी दिया था कि कॉपर को कैसे प्रोड्यूस कर रहे थे बेटा उसके एक्वस सॉल्यूशन से, ठीक है। तो वैसे ही अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि एल्यूमिनियम मेटल को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते बेटा, किस मेथड के द्वारा? बाय इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के द्वारा। और किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए बोल रहा है? एल्यूमिनियम साल्ट का। अब समझना कहना क्या चाह रहा है। एल्यूमिनियम साल्ट थोड़ी देर के लिए मान लो हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लिया बेटा, राइट, और हमने बेटा इसका एक्वस सॉल्यूशन लेने के लिए बोल रहा है एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन मतलब मैंने H2। मान लीजिए हमने ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड भी लगा दिए बेटा, इस पे बैटरी भी कनेक्ट कर दी, राइट, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया होगा, यहाँ पे नेगेटिव आ गया होगा, इतना मुझे पता है बेटा। ये Cl नेगेटिव इधर जाएगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल इधर भी जाएगा, राइट। बट हम इसकी कहानी छोड़ते हैं, हम आते हैं मेन अपने मेन पॉइंट पे, एल्यूमिनियम आयन पे, क्योंकि हमें एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करने की बात करें। अब ये एल्यूमिनियम आयन बेटा इधर की तरफ जाएगा कैथोड की तरफ, और वाटर मॉलिक्यूल भी कैथोड की तरफ जाएगा। तो होगा क्या, दो पॉसिबिलिटी होगी कि एल्यूमिनियम आयन कैथोड पे रिड्यूस होने की कोशिश करेगा। इसका ई नॉट होता है -1.66 वोल्ट। अब साथ साथ हम ये भी जानते हैं बेटा कि वाटर मॉलिक्यूल भी कैथोड पे रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखता है, और वो कुछ इस तरीके से रिड्यूस होता है बेटा। 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 प्लस 2 OH नेगेटिव, इस तरीके से रिड्यूस होता है। इसका E नॉट -0.83 वोल्ट है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मैंने एल्यूमिनियम का कोई एक्वस सॉल्यूशन लिया और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया, तो मैं जो कैथोड पे होने वाली रिएक्शन है उनकी पॉसिबिलिटी आपको बता रहा हूँ। पहली पॉसिबिलिटी है कि एल्यूमिनियम आयन उस पर रिड्यूस हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि उसमें कौन रिड्यूस हो सकता है बेटा, H2O रिड्यूस हो सकता है। अब मुझे आप भाई बताएं कि इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन कैथोड पे होगी बेटा। मैंने पहले भी बताया था इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है। अब चलेगा ऐसा कि इन दोनों में से कोई एक ही जीत सकता है बेटा, या तो एल्यूमिनियम ही रिड्यूस होगा, एल्यूमिनियम आयन ही रिड्यूस होगा, या H2O। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कौन रिड्यूस होगा। बहुत बढ़िया बेटा विशाल, शाबाश, बिल्कुल सही, H2O। सुनी थी बेटा, बहुत सुंदर, H2O। तो आप सबको पता है बेटा कि कैथोड पे वो रिड्यूस होता है जिसका ई नॉट बड़ा होता है, और आप नोट करें बेटा इसका ई नॉट बेटा बड़ा है। तो अगर इसका ई नॉट बड़ा है इसका मतलब H2O रिड्यूस होगा, और H2O रिड्यूस होगा तो इसका मतलब H2 गैस प्रोड्यूस होगी, कहने का मतलब एल्यूमिनियम प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। रीजन, क्योंकि एल्यूमिनियम का ई नॉट बेटा छोटा होता है। तो इसके क्वेश्चन के आंसर में आप लिखोगे क्योंकि एल्यूमिनियम का जो ई नॉट है बेटा वो लेसर देन है वाटर, लेसर देन वाटर, इसलिए एल्यूमिनियम आयन कैन नॉट रिड्यूस्ड एट कैथोड। और अगर बेटा ये कैथोड पे रिड्यूस ही नहीं होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि फिर एल्यूमिनियम प्रोड्यूस नहीं होगी। इसलिए अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से एल्यूमिनियम को बनाना चाहते हैं बेटा, तो उस केस में हम एक्वस सॉल्यूशन नहीं लेते बल्कि उसका मॉल्टन स्टेट में लेते हैं, उसके सॉल्ट को, जैसे Al2O3 है ना, इसको हम ले लेते हैं बेटा इसके मॉल्टन स्टेट में। याद रखना एल्यूमिनियम को अगर हमने प्रोड्यूस करना है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, तो उस केस में हम उसका एक्वस सॉल्यूशन यूज़ नहीं करते बल्कि हम यूज़ करते हैं मॉल्टन स्टेट में उसके साल्ट को यूज़ करते हैं या उसके इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ करते हैं। बेटा बताओ जरा क्या समझ में आया। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इन तीनों क्वेश्चन को जरा प्रॉपरली कर लेना और मुझे भेज देना बेटा आंसर किस तरीके से लिखा आपने, मैं भी देखूंगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
ये लॉ डिफाइन करने के लिए भी आ सकते हैं, और इनमें हम ऑब्वियसली बेटा लुसियल ये तो ऑब्वियसली है ना, जिसका इनॉड छोटा होगा कैथोड पे वाटर से वो ऑब्वियसली ये डिपॉजिट नहीं होगा, वो तो आप पहले भी पढ़ चुके हो बेटा। तो ओके बेटा सुनना, फैराडेज लॉ पढ़ने जा रहे हैं, इसमें आपके पास पेपर में बेटा ये लॉ डिफाइन करने के लिए भी आ जाते हैं और इनके न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं, तो इनको ज़रा ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम फैराडेज लॉ में पढ़ेंगे क्या ज़रा वो समझें। तो जैसे कि आपने अभी ये देखा था, अभी तक आपने ये पढ़ा कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस का फिनोमिना हो रहा था तो उसमें हमने पढ़ा था प्रोडक्ट बनते हैं बेटा एट एनोड एंड कैथोड। तो अभी तक हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो इन प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे थे कि भाई कौन सा प्रोडक्ट बन रहा होगा एनोड या कैथोड। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम ये पढ़ने वाले भाई ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ना उसकी क्वांटिटी कितनी, उसकी क्वांटिटी कितनी है। एक्चुअल में जो फैराडेज लॉ है वो हमें ये बताते हैं कि एनोड या कैथोड पे जो हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं उसकी कितनी अमाउंट प्रोड्यूस हो रही होगी। भाई अगर आप इतने मिनट तक इतना करंट पास कर रहे हो तो कितना अमाउंट वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, वो सारी बातें हमारा फैराडेज लॉ बताता है। इसलिए हम फैराडेज लॉ के लिए मैं आगे यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम जो इस केस में जो हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में पढ़ने जा रहे हैं बेटा। मतलब हम ये सीख रहे हैं इसमें कि कितना अमाउंट हमारा प्रोड्यूस्ड होता है एट एनोड और कैथोड पे किसी भी प्रोडक्ट का। और इससे पहले जब आप पढ़ रहे थे वो आप क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से पढ़ रहे थे बेटा, जिसमें आप ये सीख रहे थे कि एनोड और कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। याद रखना जब क्वालिटेटिव बोल रहा हूँ तो क्वालिटेटिव का मतलब है जिसमें आप प्रेडिक्ट कर रहे थे कि प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, लेकिन जब हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं तो क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी कितनी अमाउंट बन रही होगी। ठीक है, तो फैराडेज लॉ यहाँ पे बात करेगा बस याद रखना अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट की। तो इसके दो लॉ हैं, सबसे पहले मैं फर्स्ट लॉ डिफाइन कर देता हूँ फिर उसको एक्सप्लेन करूँगा बेटा। तो फर्स्ट लॉ लिख देना, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट या ब्रैकेट में लिख देना लिबरेट, क्योंकि बेटा गैस है तो गैस के लिए लिबरेट टर्म यूज करें, एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज को याद हो बेटा आपको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, पास्ट थ्रू द सॉल्यूशन। मास ऑफ सब्सटेंस को बेटा यहां पे मैंने कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट कर दिया। आप इसको नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं डब्ल्यू प्रोपोर्शनल टू क्यू। अब जरा समझे, इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि W Q के कैसे प्रोपोर्शनल है बेटा। तो इसको इस एग्जांपल से समझे, आप लोगों को याद हो जब मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाया था NaCl का मॉल्टन स्टेट में, तो याद करें कुछ इस तरीके की हमारी सिचुएशन थी कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन इसके अंदर मूव कर रहे थे। जब आपने करंट पास किया तो मुझे पता है Cl नेगेटिव एनोड की तरफ भागा था और Na पॉजिटिव इधर की तरफ भागा। ठीक, तो इस एग्जांपल में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ W Q के कैसे प्रोपोर्शनल है बेटा। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज पास करोगे उतना ज़्यादा हमारे पास मास डिपॉजिट होगा किसी भी सब्सटेंस का। तो इस एग्जांपल से समझते हैं, तो ज़रा याद करो कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही थी, कैथोड वाली रिएक्शन से समझ लेते हैं। Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na। तो मैं एक काम करता हूँ बेटा, यहाँ पे केवल Na पॉजिटिव को ही बना रहा हूँ, उसी से समझा दूंगा, Cl नेगेटिव इधर बना लेते हैं। तो नोट करो बेटा, जरा ध्यान से समझना,
जब आपने एक इलेक्ट्रॉन इस सॉल्यूशन के अंदर डाला, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डाला, तो आपको पता है एक Na पॉजिटिव आयन रेड्यूस हुआ होगा, और एक Na पॉजिटिव आयन अगर रेड्यूस हुआ होगा तो उसने बनाया होगा सोडियम, और वो सोडियम यहाँ डिपॉजिट हुआ था। याद है ना इसमें सोडियम बन रहा था बेटा, इस केस में याद करो सोडियम बन रहा था यहाँ पे। एक इलेक्ट्रॉन पास किया आपने, एक Na पॉजिटिव आयन रेड्यूस हुआ, एक सोडियम एटम बना और वो यहाँ डिपॉजिट हो गया। अब सोच के देखो अगर दो इलेक्ट्रॉन पास करते तो दो सोडियम आयन डिपॉजिट हो जाते, दो सोडियम आयन रेड्यूस हो जाते, दो सोडियम आयन रेड्यूस होते तो मेरे पास दो सोडियम एटम बनते, तो यानी यहाँ पे दो सोडियम एटम डिपॉजिट हो जाते, मतलब मास बढ़ गया। आपने तीन इलेक्ट्रॉन पास किए, आपको पता है तीन सोडियम आयन रेड्यूस हो जाएंगे, तीन सोडियम आयन रेड्यूस होंगे तो तीन सोडियम एटम बनेंगे, वो भी यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, यानी फिर से मास बढ़ा। तो आप क्या नोट कर रहे हो बेटा कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप सॉल्यूशन के अंदर डाल रहे हो उतना ज़्यादा हमारा उतना ज़्यादा हमारा सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन क्या एक्चुअल में, इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज, तो यानी आप जितना ज़्यादा चार्ज सॉल्यूशन के अंदर प्रोवाइड कराओगे, जितना ज़्यादा चार्ज सॉल्यूशन में पास करोगे, समझ लो उतना ही ज़्यादा हमारा मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, उतना ही सब्सटेंस का मास ज़्यादा डिपॉजिट होगा। इसलिए फर्स्ट लॉ कहता है डब्ल्यू प्रोपोर्शनल टू क्यू। नेक्स्ट लाइन में बेटा प्रोपोर्शनल हटा लेते हैं, एक कांस्टेंट ला लेते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा जेड से, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड क्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड क्यू, वेयर जेड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, वेयर जेड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, जेड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल कॉन्स्टेंट। जरा इस जेड को डिफाइन कर रहा हूँ बेटा, तो मेरे साथ जरा आप ही खुद बताना डेफिनेशन जेड की, कि जेड की डेफिनेशन क्या होगी। ले लेते हैं एक क्यू इज इक्वल टू वन कूलम, अगर क्यू वन कूलम ले लें बेटा, मतलब आपने सॉल्यूशन के अंदर वन कूलम चार्ज पास किया, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू बेटा क्यू हो जाएगा। अगर आपने 1 कूलम चार्ज पास किया तो W इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा बेटा, सॉरी W इज इक्वल टू जेड हो जाएगा बेटा। तो जल्दी से Z को डिफाइन करें बेटा, तुम्हारे हिसाब से Z की क्या डेफिनेशन होगी। अगर Q इज इक्वल टू 1 कूलम रखा जाए, मतलब सॉल्यूशन से 1 कूलम चार्ज पास किया जाए, तो Z का क्या वैल्यू, Z की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, क्योंकि W इज इक्वल टू Z है, तो उस बेस पे डेफिनेशन बताओ। जो भी तुम्हें डेफिनेशन लगती है बेटा उसकी डेफिनेशन बताएं। जेड इज द जेड इज द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, बेटा क्वांटिटी कहाँ से होगी सॉल्यूशन के, जेड इज द मास ऑफ द सब्सटेंस होगा, मैं समझता हूँ जेड इज इक्वल टू द मास ऑफ सब्सटेंस। बहुत बढ़िया बेटा निशा, इट इज इक्वल टू द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एन एनी इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया बेटा दीपिका, और भी बताएं बेटा जल्दी जल्दी कमेंट करके, आगे मैं आगे बढ़ूँ बेटा। आंसर दिए हाँ, वही वाले आंसर नहीं चलेंगे बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू द मास। बहुत बढ़िया बेटा रश्मि, अर्पिता बिल्कुल सही है बेटा। सभी लोगों का आंसर सही है, तो बेटा ध्यान से सुन लेना मेरी एक बात को, कि जिन्होंने भी आंसर केवल इतना लिखा है कि इट इज द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रॉन, ये डेफिनेशन ना आपकी आधी है बेटा। याद रखना ये जेड जो है सब्सटेंस के मास के इक्वल है, लेकिन कब है, जब आप सॉल्यूशन के अंदर बेटा वन कूलम चार्ज पास कर रहे हो, तो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा कि इट इज द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रॉन व्हेन
वन कूलम चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन। ये चीज का ध्यान रखना, केवल ऐसे लिख देना कि मास के इक्वल है। आपको ये भी बताना है मास के कब इक्वल होता है, जब वन कूलम चार्ज बेटा सॉल्यूशन के अंदर से पास होता है। तो आप लिख लेना कि z, इट मींस z इज द मास ऑफ सब्सटेंस, z इज द मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड व्हेन वन कूलम चार्ज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन, व्हेन वन कूलम चार्ज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। जरा आप सेकेंड लॉ को समझ लेते हैं बेटा, ये था हमारा फर्स्ट लॉ। अच्छा एक चीज और, इस नोट करके आप ऐसे लिख लेना बेटा, ये जो हमारी इक्वेशन है ना W is equal to ZQ, आपको पता है इसको W is equal to ZIT भी लिख सकते हैं, क्योंकि Q is equal to IT होता है। तो मैं नोट करके लिख लेना, इस इक्वेशन को हम W is equal to ZIT भी लिख सकते हैं बेटा। तो अब सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं जरा। तो सेकंड लॉ को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक सिचुएशन देता हूँ, और उसको भी समझने से पहले एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ पहले बेटा। आप लोगों को याद हो बेटा, मैंने पिछले बार सॉल्यूशन चैप्टर के टाइम पे एक चीज़ पढ़ाई थी, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट बोल लीजिए बेटा। तो उस टाइम पे मैंने आपको इक्विवेलेंट ए वेट बताया था बेटा, ई से डिनोट करते हैं, और मैंने आपको ए भी बताया था बेटा कि इक्विवेलेंट वेट को निकालने से जब आप निकालते हो तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि हमारा सब्सटेंस कौन सा है बेटा, एसिड है, बेस है, एलिमेंट है, सॉल्ट है, उसके बाद हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था बेटा, जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट होता है, किसी भी एलिमेंट का अगर इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं बेटा, तो वो होता था बेटा उसका एटॉमिक वेट, या मोलर मास भी बोल सकते हो आप उसको, और डिवाइड करते थे बेटा उसकी बैलेंसी से, डिवाइड करते थे उसकी बैलेंसी से। जैसे एग्जाम्पल के लिए बेटा, अगर मैं जिंक के लिए चल रहा हूँ, तो जिंक के लिए ई इज इक्वल टू हो जाएगा उसका जो भी एटॉमिक वेट होगा, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ एटॉमिक वेट, और डिवाइडेड बाय टू, क्योंकि आपको पता है जिंक की वैलेंसी टू होती है। अगर मैं सिल्वर की बात कर रहा हूँ बेटा, सिल्वर, तो सिल्वर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ई इज इक्वल टू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वन। तो इसकी जरूरत पड़ने वाली है सेकेंड लॉ में, तो इसे याद रखना इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। आ जाते हैं बेटा जरा सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ लिखने से पहले मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ और उस पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जरा आंसर देना बेटा। सेकेंड लॉ में हमने क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम एक से ज़्यादा यानी दो और दो से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कनेक्ट कर देंगे इन सीरीज। कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए मान लीजिए यहाँ पे एक्वस कॉपर सल्फेट लिया बेटा, यहाँ पे मैंने एक्वस AgNO3 लिया, और यहाँ पे मैंने प्लेटिनम रॉड लगा दी बेटा। तो ये दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है मेरे पास, और मैंने इनको कनेक्ट कर दिया किसी बैटरी से इस तरीके से, और मैंने यहाँ पे इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया बेटा, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। इस पे आ गया होगा पॉजिटिव, इस पे आ गया होगा बेटा नेगेटिव, अगर इस पे नेगेटिव तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, राइट। और कल हम इतना पढ़ चुके हैं बेटा कि हमने इनका इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ लिया था, तो अब मुझे इतना याद है, आप लोगों को याद हो बेटा इस केस में कैथोड में बेटा कॉपर डिपॉजिट हो रहा था, यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा था, और इस केस में बेटा यहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट हो रहा था, ठीक है। कल हमने पढ़ा था इनका इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम कर रहे थे कॉपर सल्फेट का, तो कॉपर सल्फेट के केस में कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हुआ था, और AgNO3 के केस में बेटा Ag डिपॉजिट हुआ था, राइट। अब सीरीज की एक खास बात होती है, जब भी आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो आपको पता है चार्ज जो पास हो रहा है बेटा इन दोनों सॉल्यूशन से वो सेम होता है। आपने पढ़ा होगा करंट सेम पास होता है बेटा सीरीज में, तो अगर करंट सेम है तो इसका मतलब चार्ज भी सेम है, मतलब अगर वन कूलम चार्ज इसके अंदर जा रहा होगा तो वन कूलम चार्ज इसके अंदर भी जा रहा होगा, अगर टू कूलम चार्ज इसके अंदर भी जा रहा होगा तो टू कूलम चार्ज इसके अंदर भी जा रहा होगा। तो मेरा क्वेश्चन यह है कि आप मुझे ये बताइए कि इनके अंदर क्योंकि चार्ज सेम पास हो रहा है, तो आप मुझे ये बताइए क्या मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू मास ऑफ सिल्वर होगा, या फिर मास ऑफ कॉपर
इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ सिल्वर। जल्दी से कमेंट करें बेटा। आपसे क्वेश्चन यह है कि दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मैंने उनको सीरीज में कनेक्टेड किया है, और जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो आपको पता है बेटा जो चार्ज पास होता है इन डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन से, ये सेम पास होगा। ठीक, मतलब अगर 1 कूलम यहाँ पास हो रहा है तो 1 कूलम यहाँ भी पास हो रहा है बेटा, सेम अमाउंट जा रही है। तो क्वेश्चन ये है कि इधर पे बेटा कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हो रही थी, इधर कैथोड पे बेटा सिल्वर डिपॉजिट हो रही थी। तो क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू मास ऑफ सिल्वर होगा, या सेकंड मास ऑफ कॉपर इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ सिल्वर। आप बस फर्स्ट और सेकंड करके बोल दीजिए, मुझे पता लग जाएगा। अच्छा, या लिख दिया आंसर आ गया, इक्वल होगा, इक्वल होगा। ओके, सभी का आंसर बेटा इक्वल होगा। अब ध्यान से सुनना बेटा, आप सभी ने यहाँ पे जो चले हो ये फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग चले हो, क्योंकि आपने देखा दोनों तरफ सेम चार्ज जा रहा है। अगर दोनों तरफ सेम चार्ज जा रहा है तो इसका मतलब हमारे हिसाब से मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू मास ऑफ क्या होगा, सिल्वर। लेकिन ये पाया जाता है कि इस केस में मास ऑफ कॉपर इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ सिल्वर होता है बेटा। इन दोनों का मास डिपोजिटेड जो हो रहा है वो सेम नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, जरा इसको ना इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना बेटा, इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना। देखो भाई, अगर मैं कॉपर आयन रिएक्शन लिखूं, जब कॉपर आयन रिड्यूस हो रहा था तो नोट करना बेटा कुछ रिएक्शन ऐसी हो रही थी, और यहाँ पे नोट करना कुछ रिएक्शन ऐसी हो रही थी। ये रिएक्शन थी, कॉपर आयन जब रिड्यूस हो रहा था और सिल्वर आयन जब रिड्यूस हो रहा था, अलग अलग सेल में रिएक्शन हो रही थी। तो नोट करो बेटा यार कि यहाँ पे कॉपर आयन को, एक कॉपर आयन को रिड्यूस होने के लिए दो इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है, जबकि वहीं पे सिल्वर आयन को रिड्यूस होने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है। तो जरा सोच के देखो कि जब आपने इन दोनों सॉल्यूशन में सेम चार्ज पास किया होगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने दोनों तरफ दो दो इलेक्ट्रॉन डाले, इधर भी दो इलेक्ट्रॉन डाले बेटा, इधर भी दो इलेक्ट्रॉन डाले, तो नोट करो बेटा कि जब यहाँ आपने दो इलेक्ट्रॉन डाले होंगे तो कॉपर आयन का एक कॉपर एटम होगा, लेकिन जब आपने यहाँ दो इलेक्ट्रॉन डाले होंगे बेटा तो सिल्वर आयन के बेटा कितने एटम बने होंगे, दो एटम बने होंगे। समझना रहा है, सिल्वर के कितने एटम बने होंगे, दो एटम। तो सोच के देखो, इसका मतलब अमाउंट सेम नहीं बनने वाली। एक बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा, अपनी बात को ध्यान से समझना। क्या बोला, क्योंकि सीरीज में सेम चार्ज पास होता है बेटा, तो थोड़ी देर के लिए सोचो आपने दो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी डाले, दो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी डाले, तो नोट करो बेटा जब आपने इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन डाले होंगे बेटा तो कॉपर आयन, केवल एक कॉपर आयन रिड्यूस हुआ होगा, एक कॉपर एटम बना होगा। लेकिन यहाँ पे जब आपने दो इलेक्ट्रॉन पास किए होंगे तो दो सिल्वर आयन रिड्यूस हुए हैं और दो सिल्वर एटम बने हैं। ये देखो बेटा, दो सिल्वर एटम बने हैं, तो अमाउंट कैसे सेम हो जाएगी। इसके अलावा एक और बात समझे बेटा, अगर आप इनका एटॉमिक वेट देखें बेटा, दोनों का एटॉमिक वेट भी तो अलग अलग होता है यार भाई। अगर इसमें एक कॉपर एटम बन रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे 63.5 ग्राम बन रहा है लगभग, मतलब एक मोल अगर कॉपर बन रहा है तो 63.5 ग्राम बन रहा है, और अगर एक मोल सिल्वर बन रहा है तो 108 ग्राम बन रहा है बेटा। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बात को समझना। पहला मैंने इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट से समझाया, आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट से आपको दिखाई दे रहा होगा कि अलग अलग मास डिपोजिट हो रहा है बेटा, राइट। और फिर मैंने आपको वेट के कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूँ। जरा सोच के देखो, जब एक कॉपर आइटम बनता है, ओनली फॉर एक कॉपर आइटम, तो कितना मास डिपॉजिट हो रहा है यार, 63.5 ग्राम, सॉरी एक कॉपर आइटम नहीं बोलूंगा, एक मोल कॉपर बनेगा जब, तो 63.5 ग्राम डिपॉजिट होता है इसका एटॉमिक वेट बेटा। और जब एक मोल सिल्वर डिपॉजिट होता है तो एक मोल सिल्वर का वेट होता है बेटा 108 ग्राम। तो इस कॉन्सेप्ट से भी सोचे तो मास बेटा दोनों के दोनों क्या होंगे, अलग। तो इसलिए अब इस केस में हमें सेकंड लॉ की जरूरत पड़ती है, जब हम अपने सेल्स को, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को किसमें कनेक्ट करते हैं बेटा, कनेक्ट करते हैं इन द सीरीज। तो ये क्या कहता है बेटा, सेकंड लॉ कहता है कि जब भी आप सीरीज में कनेक्ट करोगे बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को, तो किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉड, मतलब अगर हम कैथोड की बात कर रहे हैं तो कैथोड की ही बात करेंगे दोनों में, अगर हम एनोड की बात कर रहे हैं तो दोनों में ही एनोड की बात करें। तो ये कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर
इलेक्ट्रोड पे जो मास डिपॉजिट हो रहा है बेटा, वो उसके इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होता है। एक्चुअल में यहाँ पे हम जो मास है ना, उनकी कंपेयरिंग करने जा रहे हैं भैया कि कॉपर का मास डिपॉजिट हो रहा है या सिल्वर का मास डिपॉजिट हो रहा है ज़्यादा, तो हम वो कंपेयरिंग करेंगे इन द टर्म ऑफ इक्विवेलेंट वेट। कहने का मतलब इन दोनों में से जिसका भी इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा होगा ना, समझ लो उसका मास ज़्यादा डिपॉजिट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा, जितनी बातें मैंने कहानी लगाई सारी? जल्दी से बता दो नहीं तो एक बार रिपीट करता हूँ कि क्यों सेकंड लॉ की हमें जरूरत पड़ी। ओके बेटा, अच्छा आप ये थोड़ा सा एक आइडिया भी दे देता हूँ इक्विवेलेंट वेट ही क्यों आया। देखो आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट से मैंने मास को समझाया था। इलेक्ट्रॉन मतलब सीधा सीधा बेटा वैलेंसी से रिलेटेड होता है। आपको पता है जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट करते हैं वही वैलेंसी होती है बेटा, फर्स्ट चीज। दूसरा मैंने वेट के कॉन्सेप्ट से भी समझाया था आपको, राइट? मतलब वैलेंसी पे भी डिपेंड कर रहा है और एटॉमिक वेट पे भी डिपेंड कर रहा है। नोट करो इक्विवेलेंट वेट में ये दोनों चीज़ आती है बेटा। इक्विवेलेंट वेट में एटॉमिक वेट भी आता है और एन भी आता है। इसलिए यहाँ पे डब्ल्यू जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, उसके इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करता है। तो लिख लेते हैं बेटा सेकंड लॉ। ओके रश्मि, एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूँ, जरा समझने की कोशिश करना, अगर नहीं आएगा तो एक बार वीडियो दोबारा से देख लेना, ठीक है? मैंने आप लोगों को कुछ ऐसा पूछा था कि आपने दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज में कनेक्ट किया था और आपको इतना पता है कि इसमें कैथोड पे बेटा कॉपर डिपॉजिट हो रहा था और यहाँ पे कैथोड पे बेटा सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है। फिर मैंने आपको कहा था सीरीज में बेटा सेम चार्ज को पास होता है, सेम करंट की अमाउंट जा रही होगी दोनों तरफ। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कॉपर और सिल्वर का जो मास डिपॉजिट हो रहा है क्या सेम हो रहा है, तो आप सभी का आंसर था लगभग यस। बट मैंने कहा आंसर गलत है, ऐसा नहीं होता कि कॉपर का जो मास डिपॉजिट हो रहा है सिल्वर का जो मास डिपॉजिट हो रहा है उसकी अलग अलग होती है बेटा, उनकी अमाउंट अलग अलग होती है। तो उसका रीज़न मैंने आपको दो तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी बेटा। पहले मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट से, ज़रा सोच के देखो बेटा कि अगर Cu2 पॉजिटिव रेड्यूस होता है तो उसके एक आयन को रेड्यूस होने के लिए बेटा दो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है बेटा। लेकिन जब मैंने Ag पॉजिटिव के लिए बताया तो मैंने कहा Ag पॉजिटिव के एक आयन को रेड्यूस होने के लिए बेटा केवल एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो सोच के देख बेटा, अगर मैं यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन दोनों सॉल्यूशन में डाल रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए दो इलेक्ट्रॉन दोनों सॉल्यूशन में डाल रहा हूँ, तो क्या होगा? Cu2 पॉजिटिव आयन का केवल एक आयन रेड्यूस हो रहा होगा, लेकिन सिल्वर के तो दो आयन रेड्यूस हो जाएंगे ना। जब दो इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो दो रेड्यूस हो जाएंगे। अपने आप सोचो यार, मास अलग अलग बनेगा कि नहीं बनेगा? इसमें एक कॉपर बन रहे हैं, वहाँ दो सिल्वर बन रहे हैं, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, आप इसको वेट के कॉन्सेप्ट से भी समझे, वेट के कॉन्सेप्ट से समझे जरा। देखो भाई, जब कॉपर का वन मोल बनता है बेटा, कॉपर का जो वन मोल बनता है उसका मास होता है बेटा 63.5 ग्राम। मान लो आपने इसके अंदर 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास किए मान के चलो, तो यहाँ पे जो कॉपर डिपॉजिट हो रही होगी बेटा वो 63.5 ग्राम हो रही होगी। लेकिन जब आप सिल्वर के अंदर एक मोल इलेक्ट्रॉन पास करें तो एक सिल्वर बनता है और इसका मास होता है बेटा 108 ग्राम, वन मोल का मास। तो नोट करो यार, एटॉमिक वेट भी तो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है। अगर दोनों का एटॉमिक वेट डिफरेंट डिफरेंट है तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम सेम चार्ज पास करेंगे तो उस केस में बेटा जो मास डिपॉजिट हो रहा होगा वो अलग अलग हो रहा होगा। यानी कहीं ना कहीं इस केस में अगर हम कंपेयरिंग कर रहे हैं बेटा कि भाई कॉपर पे या सॉरी इस वाले पे या इस कैथोड पे किस पे ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट हो रही है, तो उस केस में हमें जो हमारे ये सब्सटेंस है ना बेटा, कॉपर और सिल्वर, इनकी दो बातें सोचनी पड़ेंगी। पहली बात ये सोचनी पड़ेगी बेटा कि ये कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं इनके आयन। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का मतलब सीधा सीधा हमें इनकी वैलेंसी पे देखना पड़ेगा। दूसरा हमें ये भी देखना पड़ेगा भाई इनके एटॉमिक वेट कितने हैं, यानी कि एटॉमिक वेट को भी देखना पड़ेगा। तो दो चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाके हम मास की कंपेयरिंग करने पड़ेंगे। तो इसलिए हमने सीधा सीधा बोल दिया बेटा कि ये दो चीज़ें किससे रिलेटेड है, इक्विवेलेंट वेट से। इसलिए सेकंड लॉ कहता है W प्रोपोर्शनल टू E। बेटा याद रखना ये सेकंड लॉ कंपेयरिंग पर्पस में है कि मान लो ये दोनों हमारे कैथोड हैं दोनों अलग अलग सेल में और हम यहाँ पे इनमें कंपेयरिंग करने वाले हैं कि किस पे ज़्यादा मास डिपॉजिट हो रहा है, तो आप इन एलिमेंट के बस इक्विवेलेंट वेट देख लेंगे। जिसका इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा होगा समझ लो उसका मास ज़्यादा डिपॉजिट होगा।
एक बार बेटा अगर समझ में ना आया तो दोबारा से वीडियो देख लेना, फिर भी ना आए तो फिर से मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना बेटा, तो मैं दोबारा से बता दूंगा। तो लिख लेना सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ लिख लीजिए बेटा। When the same quantity of charge passed through the electrolytic solution connected in the series then the mass deposited at any respective electrode से मेरा मतलब है बेटा कि अगर आप कैथोड की बात करो तो दोनों सेल में आप कैथोड की ही बात करोगे, और अगर आप एनोड की बात करो तो दोनों सेल में बेटा एनोड की ही बात करोगे। respective electrode are directly proportional to their equivalent weight next line में लिख देंगे W proportional to E या और करके लिख देना W1 by W2 equals to E1 by E2, या ऐसे लिखते हैं W1 by W2 is equal to E1 by E2। तो ये समझा देता हूँ ये कैसे लिखा मैंने, इसको समझा देता हूँ ये किस तरीके से लिखा। W1 by W2 is equal to E1 by E2। तो ज़रा इसको समझो मैंने किस तरीके से इसको लिखा है। तो याद करो बेटा, अगर मैं सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग लिखूँ तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो सिल्वर का मास डिपॉजिट हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा इसके इक्विवेलेंट मास के, राइट। प्रोपोर्शनल को हटाएंगे आपको पता है कांस्टेंट ले लेंगे, इस तरीके से लिख दिया मैंने। सेम अगर कॉपर के लिए देखें बेटा, तो कॉपर के लिए होगा कॉपर का जो मास डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉपर के इक्विवेलेंट वेट के, उसको हम लिख देंगे बेटा के कॉन्स्टेंट आए। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड बेटा, डिवाइड करो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो ये हो जाएगा WAG अपॉन WCU। के से के कैंसिल हो जाएगा बेटा, हमारे पास आ जाएगा EAG अपॉन EC। तो इस तरीके से मैंने फॉर्मूला लिखा बेटा। तो अब मैंने AG कॉपर लिखने के बजाय 1 और 2 लिख दिया बेटा, तो यानी W1 by W2 इज इक्वल टू E1 by E2। क्या समझ में आया बेटा, आगे बढ़े जल्दी से बता दो मुझे। ओके बेटा, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, जरा इस क्वेश्चन का आंसर देना बेटा। इफ द वैल्यू ऑफ जेड फॉर कॉपर is 0.0003
कूलाम ग्राम इनवर्स, सॉरी ग्राम कूलाम इनवर्स। देखो बेटा ये यूनिट ऐसे निकालिए, W इज इक्वल टू जेड क्यू था, तो Z इज इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन क्यू, तो W की यूनिट होगी बेटा ग्राम और इसकी यूनिट होगी कूलाम, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगी Z की यूनिट हो जाएगी ग्राम कूलाम इनवर्स। What does it signify? What does it signify? जल्दी से बताएं बेटा आप क्या समझते हो। क्वेश्चन कुछ ये ऐसा है कि कॉपर के लिए बेटा Z की वैल्यू दे रखी है और आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि बेटा आप इससे क्या समझ रहे हो अगर Z की वैल्यू कॉपर के लिए इतनी है। जल्दी से कमेंट करें आंसर बताएं बेटा। अब फिर एक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ आज के लिए क्लास को, ये जो करते हैं फिनिश। जल्दी बताएं बेटा इट सिग्निफाई दैट इफ वन कूलम चार्ज इज पास थ्रू इट देन डब्ल्यू ऑफ कॉपर। बहुत बढ़िया बेटा दशा, इट मीन्स इक्वल टू मान लो कॉपर इज वन कूलम चार्ज पास थ्रू सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया बेटा रश्मि शाबाश, आप भी दे बेटा जवाब। दीपिका ने कि इट मीन्स बेटा 0.03 नहीं दीपिका 0.0003। तो बिल्कुल सही है दीपिका अर्पिता, बहुत बढ़िया बेटा आलोक रतुड़ी, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल भाई। तो इसका सीधा सीधा मतलब बेटा आंसर आप लिख लेना, मैं एक बार शॉर्ट में बोल देता हूँ सीधा सीधा। आपको पता है बेटा डब्ल्यू जेड के इक्वल होता था कब होता था, वैन क्यू इज इक्वल टू वन कूलम। तो यानी कि हमें पता लग गया यानी जो W की वैल्यू, क्योंकि Z की वैल्यू ये है तो इसका मतलब W की वैल्यू भी 0.003 ग्राम होगी, 0.003 ग्राम होगी, बट कब होगी जब हमारे पास Q इज इक्वल टू 1 कूलम। तो यानी आप लिखना है कि मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एट कैथोड इज 0.0003 ग्राम व्हेन 1 कूलम चार्ज पास थ्रू इट्स सॉल्यूशन या इट्स कॉपर आयन सॉल्यूशन लिख सकते हो आप इसके। बढ़िया सुनी थी बेटा, तो एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ आज के लिए, फिर बस इतना ही क्लास करते हैं, एक क्लास न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि मैं फिर घर के लिए आपको न्यूमेरिकल दे सकूँ बेटा। तो क्वेश्चन है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट was electrolyzed between platinum electrode using a करंट ऑफ 0.127 एम्पियर, 0.128 एम्पियर फोर फिफ्टी मिनट कैलकुलेट मास deposited calculate mass of copper beta calculate mass of copper deposited at the cathode। आपको given है atomic weight of copper is equal to 63.5। तो
इसको इस क्वेश्चन में आपको W बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने के बेटा मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, उन दो तरीके से आपको समझाऊंगा आप W कैसे कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। तो समझना, सबसे पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। फर्स्ट मेथड में हम बस क्या करेंगे, जो फैराडे का फर्स्ट लॉ पढ़ा था ना उसमें जो इक्वेशन थी उसको फॉलो करेंगे बेटा। W इज इक्वल टू जेड आई टी थी हमारी इक्वेशन। तो मुझे बेटा W चाहिए बस क्वेश्चन में, W मेरा क्वेश्चन मार्क है, मास ऑफ कॉपर पूछा है तो मतलब W क्वेश्चन मार्क है। अब इसके अलावा सारी चीज़ें निकालो। तो I तो तुम्हें सीधा सीधा गिवन है 0.1287, यानी I का काम बन गया। टाइम भी आपको सीधा सीधा गिवन है बेटा, टाइम 50 मिनट है, बस सेकंड में ज़रूर कन्वर्ट कर लेना, याद रखना टाइम सेकंड में लेना है। तो यानी 50 × 60 यानी 300 यानी 3000 सेकंड, यानी टी भी निकल गया बेटा। अब चाहिए बेटा जेड, अब ज़रा ध्यान से समझे जेड। अरे मैं जेड का फॉर्मूला निकालना भूल गया। ओके कोई नहीं बेटा, याद रखना जेड का फॉर्मूला भी ई अपॉन एफ होता है। कल मैं आपको बताऊंगा कि ये E अपॉन F कैसे निकाला है, ये कहाँ से आया रिलेशन, अभी याद कर लीजिए। बस Z का जो फॉर्मूला है वो E अपॉन F है। कल हम ये भी बताएंगे कि ये रिलेशन कैसे निकला। अब E का याद करें, E का फॉर्मूला क्या था, एटॉमिक वेट अपॉन N। E की जगह मैंने लिख दिया एटॉमिक वेट अपॉन N, यानी उसकी वैलेंसी। तो एटॉमिक वेट मुझे पता है भैया 63.5 है। वैलेंसी अगर बात करें बेटा, इस केस में दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता था बेटा, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता था, यानी इसकी वैलेंसी दो है। एफ की वैल्यू आप जानते हैं बेटा 96500। तो देखो सारी चीज़ मिल गई बेटा, जेड भी मिल गया, आई भी मिल गया, टी भी मिल गया। ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, डब्ल्यू इक्वल्स टू जेड की जगह पे आ गया I के प्लेस पे आ जाएगा 0.1287 और T आ जाएगा बेटा हमारे पास 3000 सेकेंड। और इसको सॉल्व कर लेना बेटा, जो भी आंसर आएगा वो कर लेना बेटा अपने आप, ठीक है। समझ आए वाला मेथड जल्दी से बताना, किसी को डाउट हो तो पूछ लो इस मेथड में। ऐसे तो मुझे लगता नहीं कि इसमें डाउट होना चाहिए, सीधा सीधा फॉर्मूला है, कमेंट करके बताओ। तो बेटा समझ आए वाला मेथड, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है W इक्वल टू जेड आई टी। आई आपको गिवन है बेटा, टी को बस याद रखना, सेकंड में जरूर कन्वर्ट कर लेना टी को। ओके बताऊंगा कैसे निकाला। ई की जगह पे आपने एटॉमिक वेट अपॉन एन रख देना है और एफ की वैल्यू आपको 96500। अच्छा आप जल्दी से सेकंड मेथड देख लेते हैं बेटा, सेकंड मेथड देख लीजिए बेटा। ये था फर्स्ट मेथड, अब सेकंड मेथड बता रहा हूँ। तो जो भी मेथड आपको सूटेबल लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं बेटा। सेकंड मेथड में देखो क्या करना है, सबसे पहले याद करो जो हमारी रिएक्शन होती थी जब कॉपर डिपॉजिट होता था, तो ये कुछ रिएक्शन थी ऐसे, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, राइट। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखा है, तो अगर मैं इसको मोल के टर्म में लिखूं बेटा तो ये रिएक्शन कहती है कि यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन है बेटा। अगर मैं इसको मोल के टर्म में लिखूं तो यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कॉपर के आगे कुछ नहीं है, मतलब कॉपर के आगे बेटा कितना है 1 मोल, राइट। अब याद करें आप लोगों ने इतना पढ़ा होगा बेटा, 1 मोल का जो मास होता है वो एटॉमिक वेट के इक्वल होता है ग्राम की फॉर्म में, याद रखना ग्राम एटॉमिक वेट के बराबर होता है बेटा। 1 मोल का जो मास होता है वो ग्राम एटॉमिक वेट के इक्वल होता है। ग्राम एटॉमिक वेट मतलब ये जो एटॉमिक वेट है ना इसको रख दो बेटा ग्राम में बस। तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनना कि इसके आगे 2 लिखा था इसलिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके आगे बेटा 1 लिखा था इसलिए 1 मोल कॉपर हो गया, और 1 मोल कॉपर को अगर मास के टर्म में लिखें तो 1 मोल का मतलब मास हमेशा ग्राम एटॉमिक वेट के इक्वल होता है। तो ग्राम एटॉमिक वेट मतलब बस इसके आगे बेटा ग्राम की फॉर्म में लिखो। तो यानी कि अगर इस रिएक्शन को देखें तो ये रिएक्शन कह रही है बेटा कि जब आप इसके अंदर 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास करते हो ना इसके सॉल्यूशन के अंदर, तो उस केस में जो कॉपर डिपॉजिट होगा वो 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा, 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा बेटा। अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करूं, जरा सोच के देखो, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाएगा 63.5 / 2,
जो भी मेथड सही लगेगा उसको कर लेना बेटा। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग मैंने लिखा 2 mole इलेक्ट्रॉन पास करने पे कॉपर का इतना मास, 1 mole इलेक्ट्रॉन पास करने पे इतना मास। अब आप लोगों को याद हो, आई थिंक मैंने पीछे भी कई बार बोला है कि चार्ज ऑन 1 mole इलेक्ट्रॉन, मैंने कल भी बोला, परसों भी बोला था बेटा, फेराडे कांस्टेंट के इक्वल होता है, याद करो। और इसकी वैल्यू थी 96500 कूलम। ये भी कल निकाल के दिखाऊंगा, अभी केवल यूज कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये 1 mole इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसको कूलम की फॉर्म में चेंज करूँ, चार्ज की फॉर्म में, तो मैं कहूँगा ये कितना चार्ज है, मतलब 96500 कूलम। मतलब 1 mole इलेक्ट्रॉन पास करने का मतलब इतना चार्ज पास करना है, तो ये हो जाएगा 63.52 ग्राम। अब अगर मैं आपसे पूछूं 1 कूलम चार्ज, अच्छा सुनना बेटा मेरी बात, अब आपको देखो आई गिवन है और टी गिवन है। आई की वैल्यू कितनी गिवन है, आई की वैल्यू है 0.1287, टी की वैल्यू है बेटा 50। आपको पता है क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है, अगर क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है तो यानी क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.1287 इंटू 50 और इंटू 60। 60 इसलिए करा बेटा, उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, यानी हमें इतना पता लगा बेटा सॉल्यूशन से ना इतना चार्ज पास हो रहा है, सॉल्यूशन से इतना चार्ज पास हो रहा है। तो आप सोच के देखो, जब 96500 कूलम चार्ज पास कर रहे हैं तो इतना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, बट क्वेश्चन में तो हम इतना चार्ज पास कर रहे हैं बेटा। इसको कैलकुलेट कर लेना अपने आप, 0.1827 इंटू 50 इंटू 60 कूलम, इतना चार्ज पास हो रहा है बेटा। और इतना चार्ज पास होने पे कितना मास डिपॉजिट होगा, सोच के देखो, 63.5/2, ये वाला चले जाएगा बेटा अपॉन में 96500, और ये वाली चीज आ जाएगी बेटा ऊपर। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जरा मेथड को समझना, मेथड बड़ा इजी, अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन। पिछले वाले मेथड में ये था सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना था, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में बेटा चार्ज निकाल लो, कितना चार्ज पास करो। चार्ज निकालने का तरीका है क्यू इज इक्वल टू आई डी, आई आपको गिवन था, टी भी आपको गिवन था, बस उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना बेटा। तो ये आपकी वैल्यू आ गई बेटा क्यू की, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपने इतना चार्ज पास किया तो कॉपर का कितना मास डिपॉजिट होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप रिएक्शन लिखो, वो रिएक्शन बेटा जिसमें आपको पता था कि, अच्छा जिसमें आपको पता था बेटा कॉपर इस तरीके से डिपॉजिट होता था इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। अब इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे 2 लिखा है, तो अगर मैं 2 लिखा तो मैं इसको लिखूंगा बेटा 2 mole इलेक्ट्रॉन। कॉपर के आगे 1 लिखा है तो इसका मतलब ये है 1 mole कॉपर, और 1 mole कॉपर का जो मास होता है बेटा वो हमेशा इक्वल होता है उसके ग्राम एटॉमिक वेट के। तो इसका ग्राम एटॉमिक वेट 63.5 ग्राम है, तो यहाँ पे लिखिए। अब रिएक्शन के अकॉर्डिंग 2 mole इलेक्ट्रॉन पास करो तो इतना मास डिपॉजिट होगा। फिर बेटा मैंने इसको 1 mole इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल दिया, 1 mole करोगे तो बेटा अपॉन। अब मैंने ये भी बताया था आपको कि चार्ज ऑन 1 mole इलेक्ट्रॉन हमेशा 9650 कूलम होता है बेटा। तो मैं अगर इसको बेटा चार्ज के फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ तो 1 mole इलेक्ट्रॉन की जगह मैं 96500 कूलम ले लूँगा, तो इतने चार्ज पे इतना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। अब बट क्वेश्चन में तो इतना था ना, इतना चार्ज पास करना है बेटा, तो अगर मैं इतना चार्ज पास करूंगा तो होगा क्या, ये 96500 चले जाएगा अपॉन में, और ये वाली चीज़ चले जाएगी बेटा मल्टीप्लाई में। अगर आप देखें फर्स्ट मेथड में भी ना आपके पास यही आया था एंड में, और ये सेकंड मेथड, क्या आपको ये सेकंड मेथड समझ में आया बेटा, ये नेट चल रहा है बेटा, सेकंड मेथड समझ में आया, जल्दी से बता दो बेटा आज की क्लास। ओके रश्मि, ठीक है श्रवण, ओके दीपिका, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप पेपर में कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, बाकी इसके क्वेश्चंस आपको सेंड करता हूँ मैं थोड़ी देर में बेटा आज की क्लास फिर। ओके अर्पिता, ठीक है बेटा मैं समझा दूँगा उसको दोबारा से, कल एक बार रिपीट करूँगा।
एक बार देख लेना, वीडियो में नहीं आएगा तो समझ, तब मैं दोबारा का रिपीट कर दूंगा सेकंड मेथड।